उस उपलक्ष्य में हम लोग आज मध्यान्ह कालीन जो सत्र रखा गया और विशेष करके परिवार के नाम के राम सुबोध मिश्रा के घर में हम लोग आए हैं और इस सत्र में बहुत आनंद आ रहे हैं। भक्त लोग ने बहुत जोर से नाम संकीर्तन किया। उसी कड़ी में मैं एक दो शब्दों के द्वारा अपने याग में विराम देता हूँ। समय हो चुका है, एक बज गया और फिर 4 बजे से हमारी कुएं पर कीर्तन हरिकथा प्रारंभ हो। इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए दो शब्द के द्वारा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मानव जीवन की कर्तव्य क्या है? मानव जीवन की कर्तव्य है प्रभु के भजन करना। बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ नहीं ताबा। ये मनुष्य शरीर जो है अतीब दुर्लभ है। 84 लाख जनी भ्रमण के पश्चात ये मानव जनी मिला है। विशेष करके भारतवर्ष में जन्म लेकर के भी यदि भजन नहीं किया तो कहाँ भजन करेंगे? क्योंकि भारत भूमि के कहा जाता है तपोभूमि कहा जाता है। क्या भूमि कहा जाता है? तपोभूमि कहा जाता है। तपोभूमि के तात्पर्य क्या है? ये तपस्या करने के स्थान है। तपस्या कौन करता है? जो भगवान की प्राप्ति करने के लिए उत्कंठा रखते हैं वही तपस्या करते हैं। भारतवर्ष छोड़ करके जितने भी देश है उस देश के कहा जाता है भोग भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोग भूमि है। भारतवर्ष की कहा जाता है तपोभूमि कहा जाता है। और भारतवर्ष के छोड़ करके जितने भी देश है सबके कहा जाता है भोग भूमि कहा जाता है। क्योंकि मुनि ऋषियों के तपस्या के फलस्वरूप स्वयं भगवान रामचंद्र प्रकट हुए, स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। भगवान की जितनी भी अवतार आदि जो है ये कहाँ प्रकट हुई? ये भारत भूमि में। इसलिए कहते हैं भारत भूमि ते जन्म हुई लो जार, जन्म सार्थक करो उपकार। ये भारत भूमि में जन्म लेकर के जो भजन नहीं करता है उसके जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सारे देश विदेश से लोग हमारे भारतवर्ष में आते हैं, भारतवर्ष की महिमा गरिमा देखने के लिए समस्त विश्व के लोग आते हैं। भारतवर्ष की जो एक सौध एक जो वास्तव रूपकता जो है ये हमारे वेद पुराण उपनिषद में दिखाया गया। ऋषि मुनि लोग यही प्रचार करते हैं। यहाँ तक भी प्राचीन इतिहास भी देखे मुनि ऋषि लोग देश विदेश में जाकर भी प्रचार करते थे। आज हम जो देखते हैं ये देखो कस्पियन सागर कहते हैं। रशिया में एक ये है सागर है उसे कहा जाता है क्या? कस्पियन सागर। वो कस्पियन सागर नाम किससे हुआ? जिससे स्वयं कश्यप ऋषि जो है वहां पर जाकर के भजन करते थे। इसलिए ये समझते जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है ऋषि मुनि लोग दूर दूर देश जाकर के ये सब करते थे। यहाँ तक भी और भी आगे इतिहास को हम गंभीर रूप में देखे तो अम्बरीश महाराज की कथा आता है। अम्बरीश महाराज ये सदागरा पृथ्वी के राजा थे। आज हम लोग इसके इंग्लैंड अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब देशों के हम जो पृथ्वी के मानचित्र जो देख रहे हैं मैप जो देख रहे हैं किंतु सत्य युग में अम्बरीश महाराज के समय एक राजा था, एक ही राष्ट्र था। और देखो एक इसने विशाल राष्ट्र के कैसे परिचालना करते थे।
अपने मंत्रियों के द्वारा। और स्वयं अम्बरीश महाराज भजन करते थे, तो उसी प्रकार हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति इसी प्रकार सर्वत्र जो है फैली हुई है। भारतवर्ष की ये जो ध्वजा जो है फ्लैग, ये केवल भारतवर्ष में सीमित नहीं रहे, सर्वत्र जो है वो विजय डंका जो है बजाने लगे। बल भारतवर्ष की, ये भारतवर्ष नाम किसने पढ़ा गया? भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष पढ़ा गया। कोई कहते हैं शकुंतला के पुत्र भरत और उसके नाम से भारतवर्ष है, किंतु उसके आगे जो हम विचार करके देखें, ये विशेष करके जो श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे हैं, ये भरत महाराज है, उनके नाम से ही ये भारतवर्ष नाम है। प्राचीन इतिहास के हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, संकीर्णता के लेकर हम चल रहे हैं, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं। धीरे धीरे जितने भी हम संकीर्ण होकर के चलते रहेंगे तब हम अपने अपने सभ्यता की भूल जाएंगे। इसलिए चित्त के जितने हम उदार कर देंगे, मैग्निफिसेंट एंड मैग्नानिमिटी, ये जितना हमारे बढ़ते जाएगा, उदारता जितनी होती जाएगा, वो उतना ही हम देखते जाएंगे। इसलिए सर्वत्र ये भारतवर्ष की एक महिमा दिखा रहे हैं। हम सभी एक ही भगवान के पुत्र संतान है, विचार करके देखिए, सब हम लोग किसके पुत्र है? अमृतस्य पुत्रः, हम लोग सब अमृतमय भगवान के संतान संतति है। वो अमृतमय भगवान के संतान संतति होने के नाते हम सब एक ही प्रभु के हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव सर्वोत्तक है कृष्ण की नित्य दास है। इसी कहते हैं जाति भेद आदि सब कुछ त्याग दे करके जब हम आत्मा को विचार करेंगे तब हम समझ पाएंगे हम कौन है। हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, इसके विचार करके देखें। ब्रह्मा के पुत्र होने के नाते सभी ब्राह्मण का है। ब्रह्मा के पुत्र कौन है? मनु है। मनु से मानव निकले हैं। सभी से जन्मना जाते ब्राह्मण, हम लोग सब जन्मगत हम लोग वास्तव रूप में सब ब्राह्मण है। जन्मना जाते ब्राह्मण, हम लोग सब जन्म से हम ब्राह्मण है। देखो एक विचार करके देखो, हम जितने भी हम गोत्र देखेंगे सब ऋषि मुनि के एक गोत्र से हम लोग आए हैं। कोई सांडिल्य गोत्र सांडिल्य ऋषि से आए हैं, वो सांडिल्य गोत्र। कोई कश्यप ऋषि से आए हैं, उसे कहा जाता है कश्यप गोत्र कहा जाता है। अपने अपने जन्म पत्री में देखिए क्या लिखा है, उसमें गोत्र सब लिखा है। गोत्र क्या है? उसी ऋषि की परंपरा से हम लोग सब आए हैं, भूल गए हम। ये शरीर ब्राह्मण है कि मन ब्राह्मण है? ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म तत्व जो जानाति सब ब्राह्मणो, जो ब्रह्म तत्व जो जानते हैं उसको कहा जाता है ब्राह्मण। फिर शास्त्र में कहते हैं जमुना जायते शूद्र संस्कार उच्चते वेदत पाठे भवेद विप्र, वेदत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जानाति सब इति ब्राह्मणो, नाम ब्रह्म को जो जानते हैं वही ब्राह्मण है। ओहो वत सपचत गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत, अहो आश्चर्य की बात, प्रभु के नाम की महिमा का, जो भगवान के नाम ग्रहण करते हैं वो चंडाल से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अहो वत सपचो अतो गरियान, सपच माने सपच, स माने कुत्ता, पच माने पकाते हैं मांस को, जो पकाते हैं खाते हैं कुत्ते के मांस खाने वाले भी व्यक्ति भगवान के नाम ग्रहण करते हैं
वो श्रेष्ठ काल। इसी कहते अहो मत पंचत गरियान जदि जहाग्रे बर्तते नाम तुभ्यम। हमारे पास वचन नहीं है, भागवत प्रमाण दे रहे हैं, सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवत विश्वते, सर्व वेद पुराण उपनिषद की सार वस्तु के श्रीमद भागवत प्रमाण दे रहे हैं। क्या दिन प्रमाण दे रहे हैं? ये जो भगवान के नाम ग्रहण करते हैं वो ब्रह्म है, नाम ब्रह्म के जानने वाले। ब्रह्म सूत्रेण गर्विता ब्रह्म तत्त्वं न जानाति स नर पशुर उदाहृत। जो मनुष्य केवल अपने ब्रह्म सूत्र के द्वारा अपने गर्व रखते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु ब्राह्मण धर्म पालन नहीं करते हैं, है? इसलिए कारण वो पशु के उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए मनुष्य मात्र की कर्तव्य है नाम ग्रहण, शब्द ब्रह्म, नाम ब्रह्म के आश्रय ग्रहण करना। किसका आश्रय ग्रहण करना? नाम ब्रह्म। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गीता में भगवान भी कहते हैं दैव वर्णाश्रम धर्म के बारे में, स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से बताया चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं कि मैं चार वर्ण और आश्रम के मैंने कैसे सृष्टि किया, उसकी स्वभाव के अनुसार गुण के अनुसार है। जिस कुल में कोई जन्म भी ले किंतु उसके स्वभाव के द्वारा उसकी वर्ण और आश्रम निर्णय होगा है। इसकी कमी भागवत में भी प्रमाण देते, भूरी भूरी प्रमाण देते हैं। इसलिए वेद पुराण श्रीमद भागवत गीता सर्वत्र कहते हैं नाम ब्रह्म की, सभी नाम हरिनाम का। इसे कलयुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरो यद्यपि पशु पक्षी सभी जो नाम करते हैं उसके हम आदर करते हैं, स्नेह करते हैं, पूजा करते हैं। हनुमान जी का हम क्यों पूजा करते हैं? क्यों? वो राम नाम जप करते हैं, राम जी के सेवक है, एकनिष्ठ सेवक है। हनुमान जी के कोई यदि साधारण एक बंदर समझे वो अपराध है। हनुमान जी प्रभु के सेवक है, इसलिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए देश काल ये सब आदि छोड़ करके हम लोग क्या करना चाहिए? भगवत नाम ग्रहण करना चाहिए। हरे नाम ना अरे नाम केवलम करो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो यदि यही नाम तत्व है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी बात बताया गया सब नाम के ऊपर दिया गया। नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई, बीच में नाम संकीर्तन की महिमा बताया गया है छठवां स्कंध में अजामिल पक्खम के द्वारा, और अंतिम स्कंद द्वादश स्कंद में अंतिम श्लोक में भी नाम महात्मा बताया गया है। इसलिए कहते हैं ना नाम संकीर्तन जस्वाच है सर्व पाप प्रणास प्रणमो दुख न समनम नमामि हरि परम है। इसलिए कहते हैं जिस भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों का सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरण में प्रणति और सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों का संत कर देता देती है वही परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार नाम संकीर्तन के द्वारा ये श्रीमद् भागवत समाप्त हुई। नाम संकीर्तन का प्रारंभ, बीच में नाम संकीर्तन की महिमा, और अंत में नाम आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि वेदे रामायणे पुराणे चैव आदि मध्य अंते च सर्वत्र हरि नाम संकीर्तन। वेद रामायण पुराण महाभारत सर्वत्र नाम संकीर्तन के लिए है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत की इतनी सुंदर महिमा जो है, छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपने वक्तव्य के जो यहाँ पर विराम देता हूँ। ये भागवत में वर्णन है, जब स्वयं भगवान द्वारिकापुरम में पुरी में लीला कर रहे थे, उस समय स्वयं भगवान विराजमान थे और उनके जब पुत्र और उनके नाती आदि ये सब जो एक स्थान पर खेलकूद कर रहे थे। खेलकूद करते करते उनके गेंद जो है एक कुएं में जाकर के गिर गई है, और सब छोटे छोटे बालक थे, वो गेंद को जो है कुएं जब गिर गया उसको झांक करके देख रहा था, और देखते ही देखा क्या उस कुएं के नीचे जो है एक विकटा का कोई एक शरीर है विराजमान, देखा विराजमान शरीर था। उस शरीर को देख करके सब बालक भयभीत हो गए, सोचने लगे कोई राक्षस हो कोई अपदेवता हो वहां पर, और सभी लोग आकर के कृष्ण की जो है समाचार दिया है। देखो कृष्ण ने आकर के किया कि अपने अंगूठी के द्वारा परसकिया उसके ऊपर उठाया, और देखो उस कृष्ण के चरण स्पर्श होने के साथ ही साथ ऊपर आकर सुंदर एक देव शरीर धारण किया, और देव शरीर धारण करके कृष्ण की प्रणाम किया। तब भगवान कृष्ण उसके पूछा तुम कौन हो, तो कहने लगे प्रभु आप तो सर्व अंतर्जामी हैं, सब आप सबको जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए हमें प्रश्न करना है। सब भगवान करने लगे तुम अपने परिचय दो, सभी के सामने अपने परिचय दो। तब उस समय वो कहने लगे प्रभु मैं जो है एक राजा था, मेरा नाम था निक था, क्या राजा निक महाराज है, मैं बहुत गोदान करता था, ब्राह्मणों के मैं पूजा करता था, ब्राह्मणों के प्रति मेरा बहुत प्रेम प्रति था, इसलिए मैं प्रति हर रोज लाखों करोड़ गोदान मैं करता था, है वो भी गाय कैसे था देखने में बहुत सुंदर है, हिष्ट पुष्ट बलिष्ट और दूध देने वाली, ऐसे नहीं ये दो जिसके स्तन सूख गया है जिसके पेट अंदर में चला गया, ऐसे नहीं, बहुत हिष्ट पुष्ट बलिष्ट है दुधालु जो गाय, और उनके साथ साथ सुंदर बछड़े को भी दान करते गो और बछड़े, और गाय की पीठ पर जो मैं सोने के जो है झाल जो है मैं रख देता था, और गायों के सींग में जो है सोने के जो सोना जो है उसको जो है मरवा देता था, ब्राह्मण के जथा जथे जो मैं गोदान करता, जितने गाय थे कोई ब्राह्मण कहे महाराज मुझे 10,000 गाय दी, मैं उसको 10,000 गाय दे रहा हूँ, इतने मैंने गोदान किया। कोई कहते हैं महाराज मुझे 1,00,000 गाय चाहिए, 1,00,000 गाय जो जितने चाहे है, गाय के साथ ही साथ उनकी दान दक्षिणा भी करता था, राजकोष में जितने भी दान दक्षिणा दान दक्षिणा करता था। एक दिन की बात है एक ब्राह्मण को मैंने 10,000 गाय दान कर दिया, फिर दूसरे ब्राह्मण आकर के बोले महाराज मुझे गोदान कीजिए, उनके भी मैं गाय दान कर दिया, किंतु पहली बार गाय ब्राह्मण को जो मैंने गोदान किया था उस एक गाय जो किसी प्रकार के दूसरे ब्राह्मण की गाय के झुंड में वो प्रवेश किया, जहाँ पर 1,000,000 गाय जो गोदान हो रहा है, कौन सा गाय कहाँ से आ गया क्या पता, वो गाय वो ब्राह्मण जो है पहली वाले ब्राह्मण जो है वो पहचान लिया है, वो आकर के दूसरे ब्राह्मण के कहने लगे ये गाय तो मुझे दान कर दिया महाराज ने, नहीं महाराज ने मुझे ये गाय दान कर दिया, वो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण बोले नहीं मुझे तो अभी भी गोदान किया। देखो दो ब्राह्मणों ने किया कि अपने आपस में लड़ने लगे,
दोनों ही कहने लगे, ये गाय तो मुझे दान कर दिया, तुम्हारे पास कैसे आ गया? ओ ब्राह्मण बोले, राजा मुझे गाय दान कर दिया, ये मेरा गाय है। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। दोनों ब्राह्मण आकर के मेरे पास न्याय विचार मांगने लगे। महाराज, ये गाय तो हमें पहले ही दान कर दिया, ये तो मेरा है गाय। दूसरी ब्राह्मण बोले, महाराज आप तो मुझे गाय दान कर दे, ये गाय मेरा है। तो उस समय मैंने कहा, एक काम करो, ये गाय जो है उनको दे दो, पहली जो मैंने दान किया था जिस ब्राह्मण को उसको दे दो। दूसरी ब्राह्मण बोले, नहीं महाराज ने कहा, मैंने कहा जब मैं तुम्हें इसके बदल में मैं तुमको और 10,000 गाय दे देता हूँ, संतुष्ट हो जाओ, इस गाय को छोड़ दो। बोले नहीं, किसी ब्राह्मण किसी प्रकार से लेना नहीं चाहते, वही गाय को दोनों ब्राह्मण लेकर के झगड़ा करने लगे। अंत में मैं कुछ निर्णय दे नहीं पाया। कोई एक ब्राह्मण वो मुनि मुझे क्या दिया, अभिशाप दे दिया, ब्रह्म अभिशाप दे जा, दान दे करके फिर दान ले लेते। जिस प्रकार गिरगिट गिरगिट समझते हो, जैसे गिरगिट सूर्य के रश्मि से तेजस्व क्या करते हैं, अपने रंग बदलता रहता है, कभी लाल नील पीले हो जाते। आप भी ऐसे ही हो, बोले ऐसे करके मुझे अभिशाप दे दिया, गिरगिट होकर चले। इसी प्रकार ब्रह्म साहब से मैं गिरगिट हूं। मृत्यु के पश्चात जब मैं जमलोक में आया, जब महाराज ने पूछा तुम क्या लेना, कौन सा भोगना चाहते हो, पाप और पुण्य, पहले कौन सा भोगना चाहते हो, पाप और पुण्य? देखो हम संसार में चलते हैं, कभी कुछ पाप भी हो जाता है, कभी तो पुण्य तो होता ही रहता है, पाप पुण्य होता ही नहीं रहता है। जैसे आप चल करके आए हैं, कितने चिट्ठियों को मार करके आए, देखा आपने, जान में अनजान में नंगली अनंगली आपने कितने प्राणी को हत्या कर दिया कि नहीं कर दिया, हो ही जाता है। चलो पापी तो हो गए। इसलिए जब महाराज ने मुझे पूछा, आप क्या भोगना चाहते हो पहले, पाप और पुण्य? मैंने कहा पहले पैसे पाप भोगना चाहते, तो कहते जाओ तुम गिरगिट होकर के जन्म, क्यों? हाँ, तुमने ये काम किया ब्रह्म साहब, इसलिए महाराज भगवान के लिए प्रभु मैं गिरगिट, किंतु मैं गिरगिट होने पर भी मैं पूर्व जन्म की कथा मैंने स्मरण रखा है, पूर्व जन्म कथा मैंने स्मरण रखा है, और यहाँ पर पड़े रहे प्रभु के, मेरा हृदय में इतने उत्कंठा जगा जी, मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूं? यहाँ पर ये आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने कहा, तुम गिरगिट होकर के यहाँ पर अब मेरे दर्शन कैसे मिला तुम्हें? इसके प्रसंग में टीकाकार कहते हैं, ये देखो पूर्व जन्म में मैं तो बहुत गोदान तो किया था, सुनिए बड़े ध्यान से इस कथा को, किंतु किसी वैष्णव के मैं ये भागवत दान कर दिया था, निताय गौर प्रमाण। बोले भागवत दान की महिमा इतने बता रहे हैं, जीवन में कोई कोई एक कोई वैष्णव के जी भागवत दान कर दे, देखो क्या प्राप्ति हो जाता है, सच्चा भगवत दर्शन हो जाता है। उन्हें कह रहे जब मैंने किसी समय एक ब्राह्मण के जो है सोने के सिंहासन पर भागवत रख करके और एक मैं भागवत दान कर दिया था, हे प्रभु वैष्णव के भागवत दान करने के फलस्वरूप आपकी चरण कमल के मुझे दर्शन है, निताई गौर प्रमाण। इसी प्रकार भागवत दान की इतनी महिमा, देखो दो प्रकार की भागवत दान की कथा सुनो, अरे बोल सुनिए, दो प्रकार की भागवत दान,
ये ग्रंथ भागवत दान करते ठीक है, तथा समर्थ भागवत दान करना बहुत उचित है। दूसरी जो है भागवत के भागवत कथा को श्रवण करना, जिसे गीता जिसे स्वयं राधा जी क्या बोलते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कालम सावकम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरि विनन्ति ते भूरि राजमान तप कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कालम सावकम संग्राधा जी का गोपी गीत में जगत में अनेक प्रकार के दान के बारे में बताया गया। कोई अन्नदान करते हैं भूखे के, जो भूखे है उसके भोजन कराना है अन्नदान, जिसके कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दान करते, जो कहा जाता है वस्त्र दान है, अन्नदान वस्त्र दान कन्या दान, अनेक प्रकार के दान की महिमा का है। यहाँ तक भी लोग नेत्र दान करते हैं, अंग दान भी करते हैं, ऐसे नहीं मृत्यु के पहले उन्होंने डीड करके जाते हैं, ये मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर के इस अंग मैं दान करके जाता हूँ। वर्तमान जो टेक्नोलॉजिकल साइंस टेक्नोलॉजिकल इतने उन्नत तो हो गया है, और वो उनके जो है शरीर के जो मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अंगों की भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर लगा देने से वो काम भी करता है। जैसे किसी का हार्ट हृदय दान करते हैं, आंख है, ये भी कहा जाता है अंगदान। क्या कहा जाता है अंगदान के बारे में, अनेक प्रकार दान के बारे में शास्त्र में लिखा गया, जिसको कहते हैं परोपकारी कहा जाता है, दूसरे के उपकार करना मनुष्य जीवन की एक कर्तव्य है। किंतु श्रीमद् भागवत संदेश दे रहे हैं, समाचार दे रहे हैं, सबसे बड़ी दान क्या है, एक व्यक्ति की जो भागवत कथा श्रवण करा करके उसके भगवत धन मिल जाए, उससे बड़ी कोई दान नहीं है। तब कथम मृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कल्म सापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूमि गृहंती ते भूरी दा जन, यह पर कहता भूरी दा, भूरी माने श्रेष्ठ, दा माने दाता, श्रेष्ठ दाता कौन है, जो भगवत कथा नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि इससे द्वारा जिनके कल्याण होता है, जिनके सारे पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तन एक एटम बम विस्फोट होने से बस्त होने से बोले अनेकों स्थान में लोग मर जाते हैं, अनेक हो जाता है, किंतु ये भगवत नाम की इतने महिमा कहा जाता है, बोले एक नाम ऐसा प्रभाव है एक अनंत करोड़ जीवों की जो है उद्धार कर देते हैं और भगवत धाम में भेज देते हैं। इससे जीवों की सारे अनर्थ नाश करने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र कहा जाता है हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम देश विदेश में किस लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि सभी भगवान के नाम कीर्तन करें, सभी लोग नाम से स्त्री पुरुष भेद छोड़ करके सभी क्या करें हरि नाम करें। मैं देसी हूँ मैं विदेशी, ये तो केवल अहंकार मात्र है। आज आप देसी है, इंडिया में आप जन्म लिया, नेक्स्ट मार्ट आप कहाँ जन्म लोगे, इंग्लैंड में जन्म लोगे तब आप कहोगे मैं इंग्लैंड वासी हूँ अमेरिकन हूँ, किंतु आत्मा अमेरिका वासी है कि इंग्लैंड भारतवासी है, अमेरिका कौन सा वासी है, आत्मा कौन सा वासी है, बोले गोलोक वासी है।
है? आत्मा कौन सा वासी है? गोलोकवासी, ब्रजवासी है। आत्मा के परिचय के स्वरूप स्वभाव है गोलोक स्थिति। सर्वत जो है जीव जीवात्मा जो है सब क्या है? गोलोकवासी है। कौन सा वासी है? गोलोकवासी है कि नहीं? ये शरीर आप नहीं हूं, ये तो अभिमान कर रही हूँ। मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं सूर हूँ, मैं वीर हूँ, ये सब तो अभिमान मात्र है। किंतु आत्मा सर्व तो क्या है? विष्णु के दास है। हम के परिचय क्या है? सब हम लोग विष्णु के दास है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है। इसलिए यही हमारे प्रचार की विशेषता है। सब हम लोग क्या करें? भगवान के नाम करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। यही है, इसी की कहते हैं भागवत दान। क्या होता है? भागवत दान है। एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत है। एक ग्रंथ भागवत हम किसको दान करते हैं? बोधि के लिए भागवत स्वरूप है। और भक्त भागवत जो भगवान की कथा जो कीर्तन करते हैं है? भगवान की जो भजन करते हैं उसी कहा जाता है भक्त भागवत कहा जाता है। ये भक्त भागवत तीन प्रकार के होते हैं। एक है कनिष्ठकारी कनिष्ठ अधिकारी भक्त भागवत, और एक होता है मध्यम अधिकारी भक्त भागवत, और तीसरी है उत्तम अधिकारी भक्त भागवत है। ये विचार लेना चाहिए। केवल सीमित विचार में मत रहिएगा। हमको क्या करना है? विचार को जो है विस्तृत रूप में ले जाना है। यू हैव टू बिकम मैग्निफिसेंट एंड मैग्नानिमिटी। उदार चित्त जब होगी ना तब आपको दिखाई पड़ेगा। संकीर्ण वाले व्यक्ति को क्या है? वो दिखाई नहीं पड़ता है। संकीर्ण चित्त वाले जो व्यक्ति है उसको दिखाई नहीं पड़ता। किंतु जितना हम हृदय के विस्तार करते हैं मैग्निफिसेंट एंड मैग्नानिमस में जब चले जाते हैं तो अब दिखाई पड़ता है सबको। सब हम लोग भगवान की जय पुत्र संतान अमृतस्य पुत्र एक ही परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर उनके हम लोग सब पुत्र संतान है। इसकी विषय हमारे पिता कौन है? है जगत पिता जगदीश्वर। कहा थे ना जगत पिता जगदीश्वर है, जगत के पिता। तो हम भी तो जगत में है, इसलिए हमारे पिता कौन हो गया? जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगत के नाथ। नाथ शब्द क्या होता है? पिता का पिता है। जगत के नाथ, जगत के पिता जगन्नाथ जगदीश्वर है। इसलिए सब हम लोग वही परम पुरुष परम पिता परमेश्वर भगवान के हम संतान संतति है, उनकी हम भजन करें। इसलिए कहा जाता है जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप पितृद्रोही पातकृतार जन्म जन्म तापा। जगत के पिता कौन है? संत कृष्ण भगवान। जो पिता की जो सेवा नहीं करता है पिता प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? पिता को सेवा करनी चाहिए। पिता सबको पिता धर्म पिता ही परमंतप पितरी विद्यमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता है। पिता यदि प्रसन्न हो जाए देवता लोग भी प्रसन्न हो जाए। किंतु हमारे परम पिता कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाए, जगत पिता भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाए। इस जगत के छोटी छोटी बातों के लेकर के हो सकता है पिता प्रसन्न नहीं हो, शर्त के लिए कभी पिता प्रसन्न नहीं होता है, वह पुत्र प्रसन्न नहीं होता पिता के लिए। थोड़ी सी विचार सुनिए, कभी कभी संसार में हम देखते हैं छोटी सी बातों के लिए स्वार्थ के लिए पिता पुत्र के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, अथवा पुत्र पिता के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, वो स्वार्थ के। किंतु जगत पिता जगन्नाथ वो कोई स्वार्थ नहीं मानते है। भगवान भाई हमारे जगत पिता जगन्नाथ है। इसलिए परम पिता परमेश्वर के क्या करना चाहिए? सेवा कराना चाहिए है। इसलिए पिताजी की सेवा करें। पिताजी की कैसे सेवा करें? उनकी
गुणक खान कीर्तन करो, उनके नाम ग्रहण करो, पिता प्रसन्न हो गए। भगवान कहते तुम मुझे क्या दोगे, है आपका कुछ है, है? आपका कुछ नहीं है, सब प्रभु का ही है, प्रभु के दिए हुए, पूर्वजों के दिए हुए देन जो है, है? वो भी पूर्वज, वो हमारे भगवान से है, है? तो ठीक है, अच्छी बात है। जिस प्रकार हम गंगा जल के द्वारा गंगा पूजा करते हैं, गंगा पूजा कैसे होती है, गंगा जल बिना पूजा नहीं होती है, तो गंगा पूजा हम कैसे करेंगे, गंगा जल के द्वारा, है ठीक। उसी प्रकार भगवान के दिए वस्तु के द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान ने दिया तो उसी वस्तु मैं प्रभु के दे रहा हूँ, है मेरे पास कुछ है कुछ तो है नहीं, इसलिए प्रभु के दिए ये वस्तु की प्रभु की सेवा में लगाओ, है यही जीवन के साथ, ये जीवन है कांच का भाजा, है थोड़ी टक्कर से टूट जाएगा, है कंचन काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, है यही प्रभु के हम भजन करें, प्रभु के नाम प्रभु को समझें और कुछ करना नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद की बात है, हम लोग क्या नाम से मिश्रा के घर में हम लोग आए, मिश्रा परिवार में हम लोग आए हैं, बहुत आनंद की बात है, तो है जय मिश्रा परिवार की, जय उस परिवार की, आप जोर से एक ताली बजाओ, चलो मिश्रा परिवार की है, है इसलिए है आप आरती कहिए और उसके बाद जो है आरती और इसके पश्चात महाप्रसाद ग्रहण करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश, हेलो।